दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। मेनस्ट्रीम मीडिया से जरूरी मुद्दे गायब होने के बाद झारखंड के गोंडा जिले के एक 12 वर्षीय बच्चे का वीडियो सामने आया है। इसमें वह मेनस्ट्रीम मीडिया को आईना दिखा रहा है। 12 साल का यह बालक धाकड़ रिपोर्टिंग करते हुए बता रहा है कि गोंडा जिले के इस सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं पढ़ने आते। वह स्कूल की खस्ता हालत भी दिखाता नजर आ रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए वह वीडियो। मेरा नाम सरफराज खान, आप जगह उजागर बैठा। अब मैं बताता जा रहा हूँ मैं कहाँ पहुँचा हूँ। तो अब जगह उत्कर्मी प्राथमिक विद्यालय में क्या चुक में पहुँचा हूँ। इसका मकसद क्या हुआ मैं आपने कहा, जैसे कि मैं बता जा रहा हूँ, स्कूल खुल गए, घर में सो गया है, खाली हाजिरी बनाने आता है इस स्कूल में, मुझे एक भी बच्चा नहीं है। बच्चे से पूछा मैं क्यों नहीं इस स्कूल में पढ़ने आते आप लोग, आप स्कूल में क्यों ना पढ़ने आते हैं भाई। स्कूल में पढ़ने तो पढ़ाते नहीं है, लेटरिन करने भी बहुत तकलीफ होते है, और पानी का व्यवस्था क्या होता है, पानी वहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है। और इधर देखा कैमरा मैन किधर आ रहा हूँ, देखिए अभी लैट्रिन का व्यवस्था मैं बताता जा रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है ये बता रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए। क्या कर रहा है सरकार, ये देखिए क्या क्या है लैट्रिन में। अब देखिए यह है लैट्रिन कैसा है, स्वच्छ भारत अभी चल रहा है अभियान, तो कैसा है स्कूल है, बच्चे को बाहर भेजते है कैसा है, स्वच्छ भारत किसा कहते हैं हम लोग। और तो गया हम कैमरा मैन चप्पाकल भी अभी तक कोई नहीं हुआ है, चप्पाकल में अभी कोई नहीं हुआ है। देखे पानी पीने व्यवस्था कहाँ आते हैं बच्चे लोग, यह देखे जंगल है स्कूल में, कैसा है यह सरकार है कैसा ध्यान। अब इधर जा रहा है, अब बताता जा रहा हूँ इधर तक है कैमरा मैन रूम में क्या भरा है, देखिए यह रूम में क्या भरा, देखे ये रूम में क्या है, कुट्टी धरा है। और देखिए कैमरा मैन इधर दिखाइए, देखिए इधर क्या है रूम में, ये स्कूल का रूम है क्या, देखिए स्कूल में सोनी सब रखता है, कैसा स्कूल है भाई। अभी देखिए ऐसा इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।